got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. अभी यूनिवर्सिटी खुल गई है, कितने दिन बाद? ऐसी भाई बताओ, 3 महीने बाद। अच्छा ये बताओ कि फील कैसा आ रहा है यूनिवर्सिटी 3 महीने बाद? सबसे बच्ची इतनी सी टॉप प्लस सोचा था कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी एकदम से मतलब सारे काले बादल छा गए हैं, अंधेरा पता नहीं ऐसे जैसे कि बड़ी मुसीबत आ रही है। और मेरी सिटी से बिलोंग करने वाले डॉक्टर साहब हमारे पास, डॉक्टर साहब थोड़ा साइड दे, साइड दे नहीं साइड दे, वो तो 8 बजे क्लास है, अभी पढ़े हैं हमारे 10 मिनट, तो बाद में करेंगे जो कुछ करेंगे, अभी चलते हैं क्लास में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आप लोग भी सोच रहे हो कि काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, तो भाई आज के बाद रेगुलर व्लॉग आने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जो भी करो मुझे नहीं पता, बस जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ रेडी हो रहे हैं हुज़ैफ़ा भाई। हुज़ैफ़ा भाई ने रूम की हालत पिछले काफ़ी व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि इसके रूम की हालत इतनी ख़तरनाक होती है कि जैसे पता नहीं रात को ये इधर लेटता है और ऐसे पता नहीं क्या राउंड लगाता रहता है। इस तरह वो बंदा मीठा खा के आया ना तो कोई चीज तंग करती है, इसका वो वाला हिसाब है। तो खैर जो भी है, अभी हम चलते हैं यूनिवर्सिटी क्योंकि हमारी क्लासेस हो गई हैं भाई स्टार्ट, तो चलेंगे यूनिवर्सिटी जाके बच्चों से रिएक्शन पूछेंगे उनके कि भाई यूनिवर्सिटी रीओपन हुई है 3 मंथ के बाद, तो उनका कैसा रिएक्शन है। तो बहुत ही मजे का व्लॉग होने वाला है, तो एंड तक लाजमी देखना है। और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाजमी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप यूनिवर्सिटी जाके। भाई फाइनली हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हैं शिराज, ले तीनों हमारी क्लास के बंदे ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अभी चलते हैं सीधा क्लास में, देन क्योंकि यार 8 बजे क्लास है, अभी पढ़े हैं हमारे 10 मिनट, तो बाद में करेंगे जो कुछ करेंगे, अभी चलते हैं क्लास में, देन उसके बाद बाकी का भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी उसी साहब चलिए आगे लगो फिर। अच्छा यार रहील, फीलिंग कैसी आ रही है 3 मंथ बाद यूनिवर्सिटी आके? बिल्कुल एक फ्रेशर वाली फीलिंग आ रही है। बोल रहा है। एक भाई रहील भाई का कहना है कि 3 मंथ बाद यूनिवर्सिटी आकर लाइक अ फ्रेश मैन। कुछ नहीं भाई, फिर रैगिंग से बच जाना ठीक है ना? जी नहीं इतने बुरे भी नहीं है कि क्या रैगिंग। अभी यूनिवर्सिटी खुल गई है, कितने दिन बाद? ऐसी भाई बताओ, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। अच्छा ये बताओ कि फील कैसा आ रहा है यूनिवर्सिटी 3 महीने बाद? सबसे बच्ची इतनी टॉप प्लस सोचा था कि अंगड़ियां जिसके सारा बच्चियां देखने आए, मतलब कि इस जैसे लोग वो होते जो माँ बाप का पैसा जाया करते, और ऐसे बच्चे देखो। अरे यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छी शख्सियत और मेरी सिटी से बिलोंग करने वाले डॉक्टर साहब हमारे पास, डॉक्टर साहब थोड़ा साइड दे साइड दे नहीं साइड दे वो तो कैसा फील हो रहा है, मतलब कि 3 मंथ बाद आए हो? भाई दिल गार्डन गार्डन हो रहा है पढ़ाई देख के। तो इतने अफसरदा क्यों बैठे हुए हो? वैसे ही भाई, ओ भाई भाई जीपीए कितना आया था आपका पिछले सेमेस्टर में? इसके बाद महीने का मैंने जवाब आपको नहीं देना, गलियां करो। हाँ जी सीन साहब चलिए, चलो फिर हम अभी चलते हैं आगे। डॉक्टर साहब चंगा फिर मगर लो। तो अभी फाइनली 4 घंटे की क्लास लेके अभी हम आ गए हैं भाई अपने ओपन एयर स्टूडियो में। आ गया इधर आ गया। असीब भाई 3 मंथ की छुट्टियां गुजरी हैं, अभी कैसी गुजरी हैं? सर जी सही बात है, मैं नहीं बताऊंगा। अभी हम दाऊद से पूछते हैं कि भाई 3 मंथ बाद यूनिवर्सिटी आके दाऊद को कैसा फील हो रहा है? दाऊद साहब यार बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है, सामने देख, उधर देख ना, उधर देख, कल क्लास भी नहीं है भाई साहब, पुंडी चौक च बैठे अपना काम पुंडी करना। हाँ जी नुमान साहब तुसी दसो जी, इतनी फीस भरी दी हले भी पूंडी ना करिए बच्ची ना सेट करिए तो फायदा? अगर यूसीपी की बंदा बिल्डिंग देखे तो बंदा कहता है कि यार चलो हमारे पैसे हो गए हैं पूरे,
इधर से मतलब क्या कैसे अपनी फीस पूरी कर रहे हो? इधर यार फीस भी कम है, बच्चियां फिर भी अच्छी मिल जाती हैं, बस समझा करें। इसीलिए सिंगल फिर रहे हो साहब भाई, 3 मंथ के बाद आपका कैसा मतलब कि रिएक्शन है यूनिवर्सिटी ओपन होने का? सराकी भाई दसने ठीक है, मैं क्या बताऊँ अब यार। नहीं क्या बताओ, फिर भी मतलब कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वैसे जब मतलब कि यूनिवर्सिटी खुली हुई थी ना, तो आप मिंगल थे, आपके साथ आपकी बच्ची थी। अभी सिंगल क्या खैर, इधर आओ इधर आओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताओ 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 क्या चक्कर है, ब्रेकअप हो गया छुट्टियों में? सिंगल ही हूँ भाई, छुट्टियों में ब्रेकअप हो गया, छुट्टियों में ब्रेकअप हो गया। नहीं 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 ऐसे नहीं, सिंगल हूँ भाई के चेहरे हंसते चेहरा ना, मतलब ये नहीं होता कि ना बात तो सही है वैसे। मुझे एक पर्सन भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई मैं बता रहा भाई ना तो घर जैसा खाना मिलता है, ना तो घर जैसे लोग मिलते हैं, और तो दूसरी बात ये कि भाई घर में सुकून होता है, इधर कोई सुकून नहीं है। इधर आते जाओ स्टडी प्रेजेंटेशन वगैरह और भी कोई पता नहीं क्या असाइनमेंट, पता है वो ना मैंने आज तक असाइनमेंट बनाई है खुद अपने हाथ से, ना मैंने कोई अपने हाथ से क्विज दिया है, तो खैर जो भी, लेकिन भाई मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। असाइनमेंट दोस्त बनाते हैं मेरे, मुझे ऐसे अनमोल रकम मिले हुए आप देख लो। मैंने सबसे पूछा था और मुझसे भी भाई इन्होंने पूछ लिया है, तो खैर मैंने तो अपना रिएक्शन दे दिया है, पर मैं सच्ची बताऊंगा कि मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। तो खैर अभी टाइम तकरीबन हो गया है, 2 बजने वाले हैं और मैं अभी खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी फर्स्ट फ्लोर पे, तो अभी देख सकते हैं भाई गर्मी की वजह से कोई भी आवाम नहीं है, सारी आवाम अपने अपने घरों को। अब तो खैर अभी थोड़ी देर तक हम भी खाना पीना खा के चलते हैं अपने घर, और अभी व्लॉग आगे पड़ा है, आपने एंड तक लाजमी देख लें। अभी एकदम से मतलब सारे काले बादल छा गए हैं, अंधेरा पता नहीं ऐसे जैसे कि बड़ी मुसीबत आ रही है, ऐसे अचानक ही ना बिल्कुल, ये देखिए आप क्या बादल काले छा गए हैं, लगता है कि बड़ी मुसीबत आ गई है। बड़ी मुसीबत ये थी हमारे पास, ये जा रहा है इस बंदे की वजह से ऐसे काली घटाएं छा गई हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया, शैतान नहीं आ जाता, इस शैतान से हम पूछते हैं कि भाई इस बंदे का क्या रिएक्शन है। अभी हम हमजा मियां से पूछते हैं कि भाई साहब का क्या रिएक्शन है यूनिवर्सिटी ओपन होते वक्त। हाँ जी हमजा साहब। हाँ जी भाई, की थोड़ा रिएक्शन है कि यूनिवर्सिटी 3 महीने बाद ओपन हुई है? बड़ा हरामी हो बेटा। माल केड़ा माल है? नहीं मतलब कि कैसा फील हो रहा है, घर घर ठीक था या ये इधर ठीक? अच्छा फील हो रहा है, इधर ऐसे घर में सुकून है या इधर सुकून है? इधर ही सुकून है भाई, भाई कह रहे हैं कि इधर ही सुकून है। तो फीस कितनी पे कर रहे हो? 60,000। 60,000 कोई फीस आपकी पूरी हो भी रही है इधर के? नहीं वो नहीं यार, अभी तक से कोई नहीं नहीं हो रही पूरी। सिंगल ही हो? हाँ जी। तो फिर इधर सुकून कैसे है? बस मैं भूख ले जा कठनिया कर दी, ताई तेरी अखियों में जाले लगे। अच्छा अभी हम ये हमारे डेंटिस्ट हैं, दांत तेरे डॉक्टर अपने इसके खुद के दांत पीले हुए पड़े हैं, लोगों के दांत साफ करेगा। अच्छा आदिल, अच्छा ये बताओ यार, 3 मंथ बाद यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, क्या रिएक्शन है आपका? भाई यूनिवर्सिटी खाली घर नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं। तो फिर क्या चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि आपके साथ कोई बंदा हो? नहीं बंदा नहीं, बंदी मुंदी। अच्छा बंदा नहीं, बंदा नहीं भाई को चाहिए, बंदी हो। अच्छा तो मतलब कि घर में ज्यादा सुकून है या इधर सुकून है? नहीं यार, यार सुकून है, जन्नत है ना यार। तो 3 मंथ फिर आपके तो वैसे वो बड़े सूली पर लटके होंगे ना बंदा, जिस तरह वो कह सकते हैं। चलो भाई ये बड़ी दुखी आत्मा थी, लेकिन जो अभी काली घटाएं छाई थी उस बंदे की वजह से छाई थी। फाइनली भाई आज का व्लॉग आपने देख लिया होगा, तो आज का व्लॉग करते हैं हम इधर ही ख़त्म, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।